पीथमपुर के ग्राम खेड़ा और ग्राम खंडवा में सैकड़ों गिट्टी खदान स्थित है। खदान वाले आए दिन हॉलैंड मशीन से बड़े बड़े ब्लास्टिंग करते हैं। वहीं ब्लास्टिंग करने के बाद पत्थर उछलकर रहवासी क्षेत्र में चले जाते हैं। कई घरों के चद्दर टूट चुके हैं तो कई मकानों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। इन बम के धमाकों के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। किसी दिन भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि आसपास के खदान मालिक अवैध उत्खनन करते हैं, वहीं दिन रात और ब्लास्टिंग भी की जा रही है, जिस कारण हमारे घरों को नुकसान पहुंच रहा है। घरों के चद्दर टूट चुके हैं, मकान की दीवारों में दरारें पड़ गई है। वहीं स्थानीय सरपंच को शिकायत भी की गई, लेकिन उनका जवाब हमेशा गोलमोल रहता है। वहीं अगर बात की जाए तो खदानों का विरोध और ब्लास्टिंग से जुड़ा यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा प्रदूषण विभाग में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। वहीं पीथमपुर के प्रदूषण विभाग के अफसर द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए करीब 12 खदानों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए थे। मंत्री के दबाव में आकर वापस कनेक्शन जोड़े गए। नेताओं के संरक्षण अवैध खनन माफियाओं का कारोबार फलफूल रहा है। वहीं इन खदानों से होने वाले प्रदूषण से किसानों की फसलें खराब हो रही है। पीथमपुर से संजय सोनग्रह की रिपोर्ट। हाँ, क्या मामला है आज का? मामला सर यही है, यहाँ पर कई वर्षों से हमारे ISC ST के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ऊपर गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, और उनको परेशान करते रहते हैं आए दिन ये खदान खोदने वाले। बोले हमने लीज पिलर रखी जमीन है हमारी, पावती रजिस्ट्री वाले जमीन खेत थे, और ये अभी 3-4 दिन से तो मतलब इन्होंने इतना कर दिया है कि वहाँ पर वो बम लगाने लग गए, जिससे हमारे घर के आसपास ये पत्थर भी आते हैं, उसमें पत्थर आते हैं, फिर क्या नाम है अपने घर के पूरी दीवार हिलती है। कल से मान लो हमारी डिलीवरी वाली महिला भी है, बच्चे वाली महिला भी है, अगर किसी से कुछ हुआ है तो उसका जादर कौन देगा? और हमें सब, हम लोग गरीब लोग हैं, हम तो इधर रहने वाले लोग हैं, हमारे पास घर मकान नहीं है, सबके पास तो प्लाट बड़े बड़े बंगले पड़े, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। टापरी आपरी बना के इधर रह रहे हैं, पर हमको लोग यहाँ परेशान करते रहते हैं आए दिन। सरपंच को बोला हम लोगों ने तो सरपंच बोलता है, बोले कि बेड़ा हमारे खंडवा में नहीं है, बोलता है ये बोलता है सरपंच। और सरपंच ने भी अभी तक रोकने की कोशिश नहीं की, ये लोग खुदाई वगैरह करते हैं यहाँ पे, ब्लास्टिंग वगैरह होती है, तो खंडवा में नहीं आता, सीधे से बोला सरपंच ने। वोट लेने के टाइम पे आ जाते हैं, वोट लेने के टाइम पे तो ऐसे आते हैं सारे खंडवा के एरिया में, सारा प्रूफ हमारे यहाँ का ग्राम पंचायत में वोटिंग करने का था, हमारा प्रूफ भी यहाँ का निकल रहा था, लेकिन यहाँ का करवा लिया सारा, और बोलते कि अब नहीं आ रहे आप, वोट है गरीब जाते विधायक चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें भी अभी आएंगे तो बहुत दौड़ेंगे, कार्ड बनाते हैं कुछ नहीं। यहाँ पर ब्लास्टिंग हो रही है सर, और पता नहीं यहाँ पे जैसे कि वो बोलते हैं कि घर से बाहर निकलो, और हम घर से बाहर ही नहीं निकलते बच्चे लेके, उसके पहले ब्लास्टिंग हो जाती है, और उसमें अगर हमारे घर से चद्दर के सीमेंट के रखे हुए है, ये लोहे के भी नहीं पत्थर के भी जो नीचे गिरे नहीं, अगर उन पे पत्थर वत्थर आ गया तो फिर बच्चों पे या फिर हम पे कोई पे अनहोनी हो जाए तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? डर लगता है, हमारे बच्चे भी छोटे छोटे, एक बच्चा हो तो कभी लेके दौड़े, 3-3 बच्चे और तीनों छोटे छोटे, 5 साल का, 7 साल का, 2 साल का। कौन करवा रहा है ये खुदाई, किसी को पता है आपको? ये तो कोई पता नहीं, पर यहाँ पर खदाई हो रही है ये पता है, जैसे भी एक भी नहीं, दो दो चल रही है ब्लास्टिंग, कम से कम 12 से 20 बम दो दो लाइन में लगे जाते हैं, और वो ब्लास्टिंग होती है, कभी दो बम लगाए, और ब्लास्टिंग की तो हम माने कि दो बम है, लेकिन कम से कम 20-20, 12-12 दो दो लाइन में बम फोड़े जा रहे हैं। आप मना करते हो तो क्या बोलते हैं? कि नहीं आप पे कोई खतरा नहीं आएगा, ऐसा बोलते हैं, इनकी ब्लास्टिंग और इनकी खुदाई से किसी को कुछ नुकसान हुआ अभी तक आपके घर में परिवार में? नुकसान होगा, ये बड़े बड़े लोग, इनके पास तो बड़े बड़े पैसे हैं, इनको हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे ना? बोलते हैं तो बोले कि हमारी लीज की जगह है, ज्यादा करो तो हम मकान तोड़ देंगे। कौन बोलता है ऐसा कि लीज की जमीन है? ये जिन लोगों ने लीज ले रखी है वही बोलते हैं सर। किसी का नाम पता पता है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।